नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, मुझे अक्सर लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि वो चींटियों से परेशान है। बहुत बहुत तरह के चींटियां उनके बागान में आ जाती है, पौधे में आ जाते हैं, काले रंग की, लाल रंग की, बहुत सारे चींटियां उनके पत्ते खा जाती है, उनकी फूल की कलियां खा जाती है, उनके जो पौधे के रूट्स है वो खा जाती है, या फिर बीज उन्होंने डाला है बीज को जर्मिनेट करने के लिए, बीज जर्मिनेट होने के पहले चींटियां उसको खा के ख़त्म कर देती है। बहुत बहुत से परेशान है। वैसे भी घर में भी लोग घर में बहुत बहुत सारे चींटियां आ जाती है, तो मुझे कहा है कि कैसे ये चींटियां से निजात पाया जाए। मैं बहुत आसान, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका, एक रुपया खर्चा कीजिए आप, बिल्कुल आपको चींटियों से बिल्कुल साफ हो जाएंगे सारे जितने पौधे से चींटियां। एक बार आप इसका प्रयोग किए, कोई नुकसान वाला प्रयोग नहीं है, आप एक बार प्रयोग करेंगे सारे चींटियां भाग जाएगी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ सबसे सही नुस्खा, जो आपको दिखाता हूँ कि आपके घर में सनलाइट डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है, या फिर एरियल डिटर्जेंट यूज होता है, या फिर सर्फ एक्सेल का पाउडर भी यूज हो सकता है, कोई भी। इसका छोटा सेसे आता है, ये देखिए 12 ग्राम का सेसे है, ये 12 ग्राम का सेसे है। इस तरह के जो पैकेट आते हैं ये 2 रुपये में आते हैं, वैसे सर्फ एक्सेल और ये एरियल वाले। और सनलाइट अगर छोटे वाले पैकेट लेंगे 12 ग्राम का, तो आपका 1 रुपये में आ जाएगा, सिर्फ 1 रुपये में। या फिर आप 10 रुपये वाला पैकेट लेंगे, इसमें 125 ग्राम है, इसका जितने भी पाउडर है उसका 10वां हिस्सा आप ले, और लेके आपको 1 लीटर पानी में डालना है। यहाँ पर मैंने पानी डाला है, यहाँ पर 2 लीटर पानी है, ये जेरिकन 3 लीटर का है, इसमें मैं डालूँगा 2 पैकेट। मतलब क्या, लीटर में 1 पैकेट हम डाल रहे हैं ये डिटर्जेंट पाउडर। ये देखिए इसमें काफ़ी सारा कॉस्टिक सोडा होता है, और हम डाल रहे हैं इसमें, आप अगर सनलाइट पाउडर हो, सर्फ एक्सेल पाउडर हो, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर, और सनलाइट का लेंगे तो सस्ता में आज आपका हो जाएगा काम, 1 रुपये में काम हो जाएगा। और ये देखिए हमने डाला है डिटर्जेंट पाउडर, 1 लीटर में 10 से 12 ग्राम आपका काफ़ी होगा। इसको अच्छी तरह से सेक कर ले, और कोई भी पौधे में जहाँ पर भी आपके कीड़े बहुत सारे चींटियाँ है, आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकती हैं। इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर चींटियाँ है मैं आपको करके दिखाऊंगा। और नहीं तो आप और एक तरीका अपना सकते हैं, ये भीम का लिक्विड सोप आता है इस तरह का, आपको इसमें से लेना है करीब ये 0.5 लीटर का है। अगर आप 1 लीटर में लेंगे तो आपको देना पड़ेगा करीब 10 ml, तो हम इसमें से खोल के लेते हैं इसको, करीब इसमें 300 ml पानी है, तो इसको हम डालते हैं करीब 2 चम्मच, यानी कि करीब 6 ml हम इसमें डाल रहे हैं ये लिक्विड सोप। ये है डिश वॉश, ये शैम्पू नहीं है, डिश वॉश है, ये डिश वॉश लीजिए आप 0.5 लीटर में 5 ml, यानी कि 1 लीटर में करीब 10 ml लीजिए। इसको अच्छी तरह से सेक कीजिए, सेक करने के बाद आप इसको जो भी पौधे हैं इस पेड़ पौधे के ऊपर, जहाँ पर भी आपके चींटियों का अटैक है, ये चींटियों का अटैक आप करिए, इसको पर स्प्रे कीजिए और बिल्कुल साफ हो जाएंगे, एक भी चींटी आपके पास नहीं रहेगी। बहुत ही अजमाया हुआ नुस्खा है और लोगों ने बहुत सक्सेस भी पाया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे प्रयोग करना है। इस तरह का अगर आप प्रयोग कर लेंगे, ये डिश वॉश है, इसमें काफ़ी सारे कॉस्टिक्स हो रही है, देखिए चींटियाँ ये है, देखिए कैसे चींटियाँ आ रही है, और यहाँ पर सारे आप जितने भी चींटियाँ है मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आप प्रयोग कीजिए, आपके एक भी पौधे में एक भी चींटियाँ नहीं रहेगी। आप इस तरह से देखिए, कोई भी पौधे में प्रयोग कीजिए आप, और करके देखिएगा आप फ़ायदा, और ये नुस्खा अप्लाई करने के बाद आप मुझे इसका जो इफ़ेक्ट है वो बताइएगा। चलिए मैं और एक थोड़ा सा सामने बगान है, उसको भी मैं ट्राई करके देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी सारी चींटियाँ है, काफ़ी भरी हुई है, ये देखिए आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कितनी सारी चींटियाँ है। और ये जो आप डिश वॉश का सोप यूज़ करेंगे, मैं आपको सोप अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपको एक बार अगर आप अप्लाई करते हैं इस तरह से, या फिर आप डिटर्जेंट का पाउडर भी, आप जो सॉल्यूशन हमने बनाया ये आप एक बार प्रयोग कीजिए, और आपके एक भी चींटियाँ यहाँ पर रहेगी नहीं, और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा आपको, यहाँ पर काफ़ी सारे चींटियाँ है। और आप अगर घर में भी है तो घर में भी इसको प्रयोग कीजिए, सिर्फ ध्यान रखना है घर में कि आप जहाँ पर प्रयोग करेंगे उसमें उसका थोड़ा फिसलन हो जाएगी, आप इसको अच्छी तरह से पोछे लगा दें तो उसके बाद आपका ठीक हो सकता है, ये बिल्कुल चींटियाँ नहीं रहेगी। दोस्तों 24 घंटे बाद आपका फिर से स्वागत है, और आज मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये जो हमने सदाबहार के पौधे में दी थी, एक भी चींटी नहीं है कहीं पर भी, नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एक भी चींटी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर भरी हुई थी चींटियाँ से, और ये बिल्कुल साफ़ पौधा है। इधर भी आपको देखें, नज़दीक से मैं दिखाता हूँ, इस पौधे में भी हमने अप्लाई किया था,
तो ये जो है इसमें क्या है, पौधे भी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज करते रहते हैं, उससे क्या होता है चींटियाँ भी मर जाती है और पौधे भी कभी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आप ये यूज करेंगे तो इसमें कोई चींटियाँ भी मरेगी भी नहीं, सारी भाग जाएगी और उसमें केमिकल से नुकसान भी नहीं होगा आपका। तो ये ज़रूर अप्लाई करिए। अगर 5-7 दिन में फिर से चींटियाँ आ जाती है तो फिर से एक बार आप डिश वॉश या फिर आप डिटर्जेंट के यूज़ करके आप ऐसे कर सकते हैं और बहुत अच्छा तरीका है। तो ये आप ज़रूर से ये नुस्खा अप्लाई करिए और आपके ये चींटियाँ सारी भाग जाएगी। अगर कोई ज़मीन में कोई सुराख करके चींटियाँ घर कर रही है तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी चींटियाँ भाग जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आपको चींटियाँ भगाने के लिए सारे पौधे में कोई भी नुकसान नहीं करेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपका पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माई पैसन हिंदी वर्सन में अगर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।